हेलो एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं तो जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे है ना रिलीज डेट वाले दिन देखनी चाहिए मूवी बाद में तो सब लोग स्टोरी बता देते हैं फिर क्या मजा है और जिन लोगों ने अड्डा की ऐप अभी तक यूज़ नहीं की है दे कैन डाउनलोड द ऐप एंड यूज़ द ऐप इसमें करंट अफेयर्स मिलेंगे जॉब अलर्ट्स मिलेंगे तो ऑफ कोर्स जब भी हम अपनी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है मास्टर्स फाइनल ईयर में है तो हमें सारे जॉब अलर्ट्स चाहिए होते हैं कि कोई फॉर्म हमसे स्किप ना हो तो उसके लिए जो है ये ऐप आप, आपको बहुत काम आने वाली है साथ ही साथ इसमें आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाना है टाइप करना है ए डबल डी ए टू फोर सेवन और इस एप्लीकेशन का यूज जो है आप कर सकते हैं तो शैलेंद्र को बहुत जल्दी होती है कि क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है कभी कभी मैम भाई आते आते ट्रैफिक में फंस जाती है ट्रैफिक इन द सेंस जहां मैं बैठती हूँ वहां से अपने स्टूडियो तक का ट्रैफिक ही बहुत होता है ह्यूमन ट्रैफिक है ना तो हो जाता है कभी कभी शैलेंद्र माफ कीजिएगा है ना और आप सभी को पता है आपके बैचेस जो है चल रहे हैं आपका एफ का बैच मेन्स का अलग है प्री एंड मेन्स का अलग है जिसमें फेज़ वन एंड फेज टू दोनों कवर किए जाएंगे जिसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट फेज़ वन और फेज़ टू के कवर किए जाएंगे और यहाँ जो तो आप बैच देख रहे हैं ये केवल मेन्स का बैच है अगर आपको लगता है कि मेरी प्री की तैयारी ऑलरेडी है मैं ऑलरेडी बैंकिंग की एस एस की, की तैयारी कर रहा हूँ तो ये सारे सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो आप केवल मेन्स का बैच भी ले सकते हैं इसमें आपकी केमिस्ट्री जुलॉजी और एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाएंगे जो आपके मेंस में आएंगे ठीक है दूसरी तरफ मेरे आप एग्रीकल्चर महापैक देख रहे हैं महापैक क्या है एक सब्सक्रिप्शन जैसा है एक बार आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया जैसे डिस टीवी का रिचार्ज कराते हैं फिर आप कोई भी चैनल देखिए तो फिर आप कोई भी क्लासेज लगाइए चाहे एफ सी की क्लासेस अटेंड कीजिए आईबीपीएस की क्लासेस अटेंड कीजिए चाहे आप नबार्ड की क्लासेस अटेंड कीजिए आर आरबीएसओ की, की क्लासेज अटेंड कीजिए किसी भी ए, क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछ सकते हैं दोबारा रिविजन करना है तो आप क्लासेज अटेंड कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें ई बुक्स और टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपने जितना पढ़ा है आपको याद कितना हुआ है ठीक है तो कोई भी बाच लेने के लिए आपको टीचर का कोड लगाना होता है सो दैट यू गेट ऑफ मिल सके और आपकी पॉकेट पर उतना असर ना पड़े कि पॉकेट ही खाली हो जाए ना मम्मी पापा के पैसे सेव भी तो करने हैं, तो उसके लिए आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यहां स्टार में आपको दिखाई दे रहा है विच वाई फोर फोर एट. तो चार प्लस चार आठ होते हैं चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज हम पढ़ेंगे शुगर केन इंसेक्ट्स के बारे में ठीक so, uh, है तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप शुगर केन काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है एंड एज यूजुअल हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से भाई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं फलाना होता है दिकड़ा होता है उसकी सबसे पहले मुंह दिखाई करनी तो जरूरी है तो पहला क्वेश्चन जो है आपका आइडेंटिफिकेशन का रहता है ओके सो अभिषेक एंशाल तो आप बताइए फटाफट से आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सा इंसेक्ट है शुगर केन का जिसका एडल्ट इस तरीके का दिखता है लेकिन कैटर uh, पिलर जो है इस तरीके का दिखता है ट्रांसल्यूसेंट व्हाइटिश कलर का होता है तो बताइए फटाफट से ये कौन सा इंसेक्ट है वट डू यू थिंक शुगर केन का ये कौन सा इंसेक्ट है फटाफट से आइडेंटिफाई कीजिए बताइए आपके इसमें जो है जैसे कॉटन में बॉल वर्म्स आपके तीनों बॉल वर्म्स थे स्पॉटेड बॉल वर्म था अमेरिकन बॉल वर्म था पिंक बॉल वम थाना तो इस तरीके से इसमें जो है स्टेम सॉरी अर्ली शूट बोरर है टॉप बोरर है इंटरनोट बोरर है तीनों बोरर आते हैं तो बेसिकली तीनों ही स्टेम बोरर हैं कहीं तो तो लेकिन तीनों का साइंटिफिक नेम अलग है तीनों के काउजिंग सिम्टम्स जो है इन्फेस्टेशन सिम्टम्स हैं वो अलग हैं, ठीक है सो so ये किसके बारे में हम आज हम बात कर रहे हैं हम अर्ली शूट बोरर के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है दिस इज अर्ली शूट बोरर ठीक तो ये टॉप बोरर नहीं है ये है अर्ली शूट बोरर ठीक है अर्ली शूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्ली शूट बोरर विटेला है कायलोस इन्फेक्टेलिस है है या फिर पेक्टीनोफेर गोसिपेला है वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्ली शूट बोरर अर्ली शूट बोरर का साइंटिफिक नेम इनमें से कौन सा है फटाफट से बताइए ए बी सी या फिर डी यस सो द आंसर टे काइलो इनफेस तो आ, बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर दिया है कायलो है अर्ली शूट बॉर का नाम है हम कायलो पार्टेलिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं है ना तो ये बताइए -फट ये किसका नाम है कायलो पार्टेलिस किसका नाम है फटाफट रिविजन भी हो जाएगी साथ साथ कायलो पार्टेलिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बताइए ये किसका नाम है काइलो पार्टेलिस इलो पार्टिलिस किसका नाम है कहाँ पढ़ा है हमने कायलो पार्टेलिस को बताइए फटाफट से याद कीजिए दिस इज अ स्टेम बोरर क्या है ये स्टेम बोरर है है ना दिस इज अ स्टेम बोरर किसमें पढ़ा था हमने ये स्टेम बोरर काइलो पार्टिलस इज अ स्टेम बोरर और ये स्टेम बोरर हमने किस क्रॉप में पढ़ा था राइस चलिए एनी अदर तो येलो स्टेम बोरर हमने राइस में पढ़ा था तो स्टेम बोरर uh, को कहा जाता है लेकिन जो शुगर केन में स्टेम बोरर आ रहा है इसका जो नाम है ये है कायलो यस शोरगम में भी हमने स्टेम बोरर को पढ़ा है ठीक है सो यस शोर्गम इज द राइट आंसर ठीक है शोरगम बिल्कुल सही जवाब है तो शोरगम में हमने काइलो पार्टेलिस को पढ़ा है लेकिन शुगर केन में कायोस इन्फेस्टेलिस जो है ये इन्फेस्ट करता है ठीक है तो चलिए चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर फैमिली ऑफ अर्ली शूट बोरर अर्ली शूट बोरर किस फैमिली से बिलोंग करता है या नॉकटूडी फैमिली से बिलोंग करता है अर्ली शूट बोरर इनमें से किस फैमिली से बिलोंग करता है सिका डेली फैमिली से गैलेचडी फैमिली से पायरेली फैमिली से या नॉक फैमिली से बताइए फटाफट से गैसेस सी पायरेलिडी फैमिली से अच्छा भाई मान लेते हैं हम आपकी बात है ना बच्चों की बात नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा सो द आंसर इज पायरेलिडी फैमिली ठीक है आंसर क्या है पायरेलिडी फैमिली है तो बहुत सारे आपके जो मोथ हैं जो आपकी क्रॉप्स में आती हैं वो जनरली जनरली या तो नॉक्टिडी से बिलोंग करती हैं या पायरेलिडी से बिलोंग करती हैं जनरली आप इन दो फैमिलीज के नाम जो है ज्यादा सुनेंगे ठीक है तो ये जो आपका अर्ली शूट बोरर है ये पायरेली फैमिली से बिलोंग करता है विच इज ऑप्शन सी चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ अर्ली शूट बोरर हमने पीछे अर्ली शूट बोरर को देखा था तो हमें कैसे पता चलेगा है ना अगर हमसे कोई पूछे कि इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है जैसे कि आ, हमारी बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं ना आपका मोल लिखा जाता है भाई right पर मोल है आ, ये है वो है तो ये आपके बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं तो इसको पहचानने के लिए दो चीजें इसकी आइडेंटिफिकेशन में आती है फर्स्ट इज द वाइट डोट की रोज दिखाई देती है अलोंग द फोर विंग्स फोर विंग्स यानी कि आगे वाले जो विंग्स हैं उनकी मार्जिन की तरफ जो है आपको वाइट डोट्स की पूरी लाइन बनी हुई दिखाई देगी जब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक है सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है आइडेंटिफिकेशन मार्क है लेबियल पाल जो है प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स जो लेबियल पाल पे ही होते हैं बाहर की तरफ निकली हुई होती है दे आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स तो ये दो जो है इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिसके देखकर जो है आप इस इंसेक्ट को पहचान सकते हैं ठीक है तो यहाँ देखिए फोटोग्राफ में यहाँ देखिए ठीक है तो ये जो आप इंसेक्ट देख रहे हैं इफ आई डोंट नो इन योर स्क्रीन इट ऑज विजिबल और नॉट यहां पर आपको ये जो है पैटर्न दिखाई दे रहा है लास्ट में ठीक है एक डिजाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत छोटा छोटा व्हाइट मार्किंग दिखाई दे रही है दिस आर प्रेजेंट सो तो ये अर्ली शूट बॉरर है और इसके जो लेबियल पालपी है तो यहां से देखिए थोड़ा कोन शेप है बाहर की तरफ निकला हुआ है, क्योंकि इसके जो लेबियल पालपी है वो आउटवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्टिंग होती है तो ये दो जो है इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं ठीक है चलिए अब हमने इसको पहचान लिया है अब हम इसको याद रखने की भी पूरी कोशिश करेंगे तो आगे हमने क्या करना है इसके साथ हमने देखनी है इसकी एग्स की शेप कैसी होती है कायलो इनफेस यानी कि अर्ली शूट बोरर की एग्स की शेप कैसी होती है स्केल टाइप मून टाइप बोट टाइप सिगार टाइप ठीक है तो ऑप्शन वही है घुमा फिरा के सिर्फ आपका जो है इंसेक्ट का नाम चेंज हो रहा है और अभी तक जितने भी हमने इंसेक्ट पढ़े हैं उनमें ज्यादातर हमें स्केल टाइप जैसे जो है एग्स देखने को मिले हैं है ना तो एक में हमने सिगार शेप देखा था है ना तो ऐसे जो अलग होते हैं ना उनको आपको याद करके रखना है ताकि आप इजीली जो है टिक मार्क लगा सके जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है सामने तो अब बताइए एग शेप ऑफ इन कायलॉस इन्फेस्केटेलिस इन्फेस्केटेलिस का एग शेप कैसा होगा स्केल टाइप होगा मून टाइप होगा बोट टाइप होगा या सिगार टाइप होगा तो भैया इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इसके भी जो स्केल uh, टाइप आपको जो है एग्स uh, दिखाई देंगे तो स्केल टाइप जो है कैसे होते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल रोटी की वो बनाते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए फिर उसको ऐसे पिचका देते हैं तो वो स्केल टाइप हो जाता है यानी कि बहुत राउंड शेप के नहीं है बिल्कुल जमीन से चिपके हुए हैं ना uh, या फिर आप कह सकते हैं इफ यू हैव एवर डन दिस कैंडल जो होती है कैंडल को आप ऐसे करते हैं तो उसका जो गम या मोम जो गिरता है तो उसकी जैसी शेप बनती है ना इस तरीके से है ना ये आपका सरफेस है इस पे ये इस तरीके से बनता है बस ऐसे उठा हुआ थोड़ा सा तो इस तरीके से जो है इसके अंडे दिखते हैं तो इसको स्केल शेप कहते हैं ठीक है सो द आंसर इज ए और क्या क्या हम इसके अंडे के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो इसके अंडे के बारे में हम जानकारी ये ले सकते हैं कि भैया एक तो जो इसके अंडे होते हैं ये फ्लैट स्केल टाइप होते हैं जो हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चन फॉर्म में कर चुके हैं ठीक है ये जो अंडे देता है ये रोज में देता है बड़ा ही डिसिप्लिन है आपका अर्ली शूट बॉर्र है ना अर्ली शूट बॉर्र इसका नाम है तो कह रहीजिए कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग कौन लोग होते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं तो ये बहुत ही डिसिप्लिन है इसीलिए अंडे भी जो है ये रोज में देता है ऐसे नहीं कहीं कहीं कुछ कुछ दे दिया बिखेर दिया सब कुछ तो आप पर रोज में अंडे देता है तो ये तीन से चार रोज में जो है अंडे देता है और अंडे किस साइड देता है अंडर साइड ऑफ द लीफ है ना नीचे की साइड जो है आ, उस तरफ ये अंडे देता है अंडर साइड ऑफ द लीफ्स ठीक है लगभग लगभग जो है एक क्लस्टर में आठ से चालीस अंडे होते हैं और एक फीमेल तीन सौ से चार सौ अंडे दे पाती हैं अपने लाइफ टाइम में ठीक है ओविपोजिशनल पीरियड लास्ट फॉर फोर डेज ऑविपोजिशनल पीरियड जो है चार दिन तक इसका चल सकता है और एग पीरियड चलता है तीन से आठ दिन ठीक है तो यानी कि तीन से आठ दिन के बाद क्या होगा एग जो हैच हो जाएगा और इससे लार्वा जो है वो बाहर निकल आएगा तो इसके लिए लगभग इसको तीन से आठ दिन लगते हैं चीजें यहाँ पर याद रखने वाली कौन सी हैं चीजें यही है कि ये जो है रोज में अंडे देता है और अंडर साइड ऑफ द लीफ देता है नीचे की तरफ ये जो है अपने एग्स ले करता है ठीक है सो किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है कि मैम अंडर साइड ऑफ द लीफ कैसे देगा नीचे नहीं गिर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर तो भैया लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगती है इन पे भी लगेगी बेसिकली जब ये अंडे सिक्री आ, देता है तो उसके साथ साथ गमी सिक्रेशंस भी आते हैं जो उन अंडों को चिपकने में हेल्प करते हैं सरफेस से है ना आपने जैसे ट्राइकोग्रामा कार्ड्स देखे होंगे तो वो भी ऐसे चिपके रहते हैं ना कार्ड के ऊपर तो उसी तरीके से ये सरफेस पर उनको अधेर करने के लिए चिपकाने के लिए काम आता है ये सिक्रेशन जिसकी वजह से जब ये लीफ ऐसे है प्लांट पर नीचे की तरफ ये अंडे देते हैं तो ये नीचे नहीं गिरते क्योंकि ये सरफेस पर चिपक जाते हैं ठीक है तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है अगला क्वेश्चन करते हैं बोर्स लार्वा जो है, ये किस में बोर करता है स्टेम में बोर करता है फ्रूट्स में करता है लीव्स में करता है या रूट्स में करता है तो ये तो हमने शुरू में फोटोग्राफ ही देख ली थी तो सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं राइट अर्ली शूट बोरर यानी कि कायलोस इन्फेस्केटेलस जो है किस चीज में बोर करता है स्टेम में बोर करता है फ्रूट्स में करता है लीव्स में करता है या रूट्स में करता है किस चीज में ये बोर करता है किस चीज में छेद बनाता है और अंदर घुसता है तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कहाँ घुसेगा शुगर केन में स्टेम में ही घुसेगा इट इज द फ्रूट ओनली है ना तो स्टेम में ये बोर करता है ए विल बी द आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या बनता है वॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो डैमेज है वो क्या रहता है अर्ली शूट बोरर का आपको प्लांट पे किस तरीके का डैमेज दिखाई देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये अर्ली शूट बोरर का अटैक है इसमें डेड हर्ट्स बनेंगे यानी कि डेड टिश्यूज जो है <laughs> टिश्यूज जो है वो डेड हो जाएंगे या फिर डेड हर्ट्स विद फाउल स्मेल डेड हर्ट्स भी बनेंगे साथ साथ गंदी बदबू भी आएगी फाउल स्मेल आएगी जो अच्छी नहीं होगी प्लेजेंट नहीं होगी या डिफोलियेशन होगा यानी कि लीव्स जो है इससे सूख कर गिर जाएंगी या फिर सारे ही सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे ऑल ऑफ द अबव वट विल बी द डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ अर्ली शूट बोरर अर्ली शूट बोरर के डैमेजिंग सिम्टम्स क्या रहेंगे अर्ली शूट बोरर के डैमेजिंग सिम्टम है बच्चे डेड हर्ट्स विद फाउल स्मेल डेड हर्ट्स तो बनेंगे ही डेड टिश्यूज बनेंगे विद फाउल स्मेल बनेंगे यानी कि उनसे जो है गंदी स्मेल भी आएगी तो अगर डेड हर्ट्स बन रहे हैं साथ साथ उनमें स्मेल भी आ रही है तो आपको समझ जाना है ये अर्ली शूट बोरर का इन्फेस्टेशन है सो बी विल बी द आंसर प्यूपा टेक्स प्लेस इन प्यूपा जो है रेस्टिंग स्टेज है रेस्टिंग स्टेज किस में होगी कोकून में होगी प्यूपल सेल में होगी अर्दर्न सेल में होगी या फिर नेकेड होगी प्यूपा रेस्टिंग स्टेज में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेगी कोकून का इस्तेमाल करेगा प्यूपल सेल का इस्तेमाल करेगा अर्दर्न सेल्स का इस्तेमाल करेगा या फिर नेकेड ही यानी कि अपने ही आप जो है उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है वो इसी तरीके से रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है ए बी सी या फिर डी पीपल टेक्स प्लेस इस रेस्टिंग टाइम इन कोकून अर्दन सेल्स प्यूपल सेल्स या फिर नेकेड सेल्स सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्यपल सेल्स इसमें प्यूपल सेल्स बनते हैं ठीक है इसमें प्यूपल सेल्स बनते हैं इट्स नॉट लाइक दिल का धड़कन वाला हर्ट इट्स डेड हर्ट ठीक है तो डेड हर्ट्स यानी कि एक ऐसा पैच बन जाना टिश्यू का जिस पर ये फीड करता है ना तो वो टिश्यू का पैच जिस पर आपका इंसेक्ट फीड करता है टर्न्स डेड वो डेड हो जाता है वो अलाइव सेल्स नहीं रहते उसको हर्ट कहा जाता है यानी कि जो सड़ा गला हुआ पार्ट है जो टिश्यूज डेड हो चुके हैं उसको हर्ट कहते हैं ठीक है ठेके? तो यहां पर जो है प्यूपा की बात हो रही है प्यूपा कहाँ होता है प्यूपल सेल्स में जो है इसका प्यूपा रेस्ट करता है सो बी विल बी द आंसर प्यूपल सेल्स उसके बाद आएगा इन्फेस्टेशन ऑफ अर्ली शूट बोरर इज फेवर्ड बाय अर्ली शूट बोरर का इन्फेस्टेशन कब ज्यादा फेवर किया जाता है इसको कैसा मौसम पसंद है बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है ठीक है तो कैसा क्वेश्चन पुअर इरीगेशन यानी कि जब इरीगेशन अच्छी नहीं रहेगी टाइमली इरीगेशन नहीं रहेगी रेन्स भी नहीं आएंगी जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी फील्ड में जो है कम हो जाएगी है ना और हाई टेम्परेचर होगा यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है गर्मियाँ हैं और आप इरिगेशन भी प्लांट्स को टाइमली नहीं दे पा रहे हैं रेन भी टाइमली नहीं हो रही है ऐसे में अर्ली शूट बॉर का इन्फेस्टेशन जो है ज़्यादा होता है तो इसका इन्फेस्टेशन थोड़ा कम रहे तो इसके लिए आपको टाइमली इरिगेट करना टाइमली पानी पहुंचाना जो है बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा ई e आंसर आएगा इन्फेस्टेशन जो है बढ़ जाता है जब भी ह्यूमिडिटी कम होती है जब भी पानी नहीं मिलता है प्लांट को इरिगेशन नहीं मिलती है रेन नहीं मिलती है या फिर हाई टेम्परेचर होता है तो ये सभी कंडीशंस फेवर करती हैं इसके इन्फेस्टेशन को और ऐसे में इन्फेस्टेशन जो है ज़्यादा होता है So the will be all of above. सभी जो सभी ऊपर दिए गए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हैं फील एप्लीकेशंस टू कंट्रोल अर्ली शूट बोरर अर्ली शूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए इसके पॉपुलेशन को एटीएल लेवल से कम रखने के लिए हम किस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम थायोडिकार्ब का यूज़ कर सकते हैं हम थायरम का यूज़ कर सकते हैं या फिर नन ऑफ अबव या फिर इनमें से हम किसी का यूज भी अर्ली शूट पोर के लिए नहीं कर सकते हैं फोरेट थायोडिकार्ब थायरम और नन ऑफ अबव वट विल बी द राइट आंसर फोरेट थायरम और नन ऑफ द दब सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फोरेट ठीक है फील्ड एप्लीकेशन के लिए हम इसमें फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इसका जो है पॉपुलेशन uh, को कंट्रोल कर सके अपने पौधों को इसके इंफेस्टेशन से बचा सकें तो इसके लिए फोरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ठीक है। है, सभी लोगों ने 48 आंसर किया है. Very good. अब आती है बायो कंट्रोल की बारी है ना बायो कंट्रोल के बिना जिंदगी अधूरी अधूरी सी है एंटेमोलॉजी में तो बायो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है अर्ली शूट बोरर का अर्ली शूट बोरर का बायो कंट्रोल क्या रहेगा ट्राइकोग्रामा मिनिटम रहेगा लीकोवरपा आर्मी डेर रहेगा एपेंटेलिस या फिर नन ऑफ द अबाव बायो कंट्रोल ऑफ अर्ली शूट बोरर अर्ली शूट बोरर का बायो कंट्रोल क्या रहेगा बायो कंट्रोल का मतलब है इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप किसी लाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बायो कंट्रोल कहा जाता है है ना तो इसके लिए हम ट्राइकोग्रामा का यूज करेंगे ट्राइकोग्रामा कार्ड्स का यूज करेंगे एंड कौन सी सब स्पीशी का करेंगे माइनेटिम का करेंगे ठीक है तो माइनेटम सब स्पीसी का यूज किया जाएगा इसमें फॉर अर्ली शूट बोर क्या है ये एक एग पैरासिटॉइड है क्या है ट्राइकोग्रामा एग पैरासिटॉइड है राइट ट्राइकोडरीबडी नोज ये एक एग पैरासिटॉइड है यानी कि ये अंडो पर फीड करता है जो भी इंसेक्ट अंडे होंगे ये उन्हीं पर फीड करेगा तो ऑफकोर्स जब अंडे खा लिए तो एडल्ट कहां से निकलेंगे और कहानी खत्म अंडे पर ही कहानी खत्म है ना तो दिस इज एग पैरासिटॉइड राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर कल्चरल प्रैक्टिसेस विच कल्चरल प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द अर्ली शूट बोरर यानी कि कैलो इन्फेस्केटेलस इसके लिए कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस सही रहेगी हमें अर्दिंग अप करना चाहिए अर्दिंग अप क्या होता है जो आपका स्टेम खड़ा है है ना उसको हम नीचे से सपोर्ट दें उस पर मिट्टी चढ़ाएं है ना दिस इज योर शुगर केन ओके ये आपका शुगर केन है इधर आपकी लीव्स है ये आपकी uh, मिट्टी है तो इस पर जो है आप मिट्टी इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठी करें जो इसको सपोर्ट मिले है ना दिस इज कॉल्ड अर्दिंगा अर्ली मेचोरिटी वेराइटी का यूज करें ताकि वेराइटीज़ जो है टाइम से पहले मेचोर हो जाए कम टाइम ले मेच्योर होने में या फिर लाइट ट्रैप्स का यूज़ भी किया जा सकता है तो ये मोत जो है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है आप लाइट ट्रैप्स का यूज भी कर सकते हैं लगभग लगभग क्या चार लाइट ट्रैप्स पर एकड़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं अर्ली मेच्योरिटी वेराइटीज का यूज़ कर सकते हैं अर्निंग अप भी कर सकते हैं तो इनसे जो है इसका इंफेस्टेशन कम हो जाता है तो ये कल्चरल प्रैक्टिस जो है हम फॉलो कर सकते हैं ताकि इसका इंफेस्टेशन हमारे क्रॉप पर कम हो इससे होने वाला नुकसान जो है हमारी क्रॉप को वो कम हो ओके देन मूविंग टू द अनदर वन अगला इंसेक्ट कौन सा है आइडेंटिफाई द इंसेक्ट सेक्ट इज दिस पहचानिए पहचानिए भाई जाना पहचाना सही है एवरीबडी नोज सब जानते हैं इसको आइडेंटिफाई द इंसेक्ट वाइट फ्लाई यस रविचंद्र इट कैन बी दिनिकल वन बट आई जस्ट नीड इड टू टेल यू व्हाइट फ्लाई नहीं है अभिषेक द नोटिफिकेशन इज लाइकली टू कम इन अगस्त एंड अगस्त एंड अभी तो यू हैव दुलाई एंड अगस्त उट कर ली है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द चिल्ड्रन सो दट देर दिस मच चाहे आप एग्जामिनेशन फिर लेट करवा लेकिन एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म इन्हें रिलीज करना चाहिए बट एनी वे दोनों तरफ से हमारा तो फायदा एटलीस्ट हमें टाइम मिल रहा है प्रिपेरेशन के लिए एकदम से आ जाता है तो हमें इतने अच्छे से प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाता है ना लाइकली uh, तो नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ सेमी गवर्नमेंट एफ जो है आपका सेमी गवर्नमेंट बॉडी है फुली गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट में तो ये चलता रहता है कैंसिल हो जाते हैं विदड्रॉ हो जाते हैं uh, जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड uh, जो वैकेंसीज होती हैं उनमें कम चांसेस होते हैं कैंसिल होने के एफसीआई जो है सेमी गवर्नमेंट है यानी कि इसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप है तो इसके कैंसिल होने के चांसेस लाइक like, बहुत कम है ओके okay. यस yes, पेपर दोनों में आएगा बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पेपर दिखाई देगा Yes, सुप्रिया ने पहचान लिया भाई इसका नाम है टॉप बोरर ठीक है टॉप बोरर इसका नाम है ये जो हेयर लाइक -like आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आई डोंट आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ये व्हाइट फ्लाई में नहीं होते हैं ओके okay, और व्हाइट फ्लाई का साइज भी इससे थोड़ा छोटा होगा बट खैर साइज का हम फोटोग्राफ से पता नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही मैग्निफाइड इमेजेस होते हैं लेकिन ये व्हाइट ठहर uh, जो है मुँछे आपको टॉप बोरर uh, में दिखाई देंगी वाइट व्हाइट फ्लाई में नहीं दिखाई देंगी ठीक है तो ये कौन है ये टॉप बोरर है टॉप का नेता है ठीक है जो टॉप में होता तो है उसको नेता बनने का शौक चढ़ता है और नेता कैसे कपड़े पहनते हैं व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो टॉप बोरर जो है कैसा दिखता है व्हाइट कलर का दिखता है और इसकी मूछे भी होती है है ना जैसे अपने मोदी की भी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है है ना तो ये टॉप बोरर है जिसकी मूछे आपको दिखाई देंगी यस बच्चे नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में बिल्कुल होती है अब आते हैं साइंटिफिक नेम पर सा क्वेश्चन है दूसरा नेम क्या दूसरा क्वेश्चन क्या आने वाला है दूसरा क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम का तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है वैसे तो आप पिछले ही क्वेश्चन में इसका साइंटिफिक नेम बता चुके हैं बट भैया दोबारा से जहमत उठाइए अपने हाथों को थोड़ी सी तकलीफ दीजिए और इसका साइंटिफिक नेम लिखिए वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टॉप बोरर टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है सो द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस इंसेक्ट इज सिरकोफागा निवेला, ठीक है सिरकोफागा निवेला, नया नया नेता बना नया नवेला, है ना और सिरकोफागा टॉप बोरर है टॉप हमारा टॉप से शुरू होता है सर से शुरू होता है है ना? <coughs> <coughs> तो हमारा टॉप जो है सर से शुरू होता है तो इसका नाम क्या है सरको है है ना तो सिरको निवेला जो है इसका नाम है इट्स ऑप्शन बी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है आपको मिलता है कुछ भी नहीं मिलता है क्या मिलेगा बताइए ज्ञान मिल रहा है काफी नहीं है सो फैमिली ऑफ सिरकोफेगा इज सिरकोफेगा की फैमिली कौन सी है स्पिनोप्ट्रा फैमिली है नॉक्टिडी है फाजमिडा है पायरेलिडी है अब सिरकोफेगा की फैमिली कौन सी है क्या ये भी पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है या फिर ये नॉक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है जानने के लिए देखते रहिए FCIAG3 टेक्निकल के क्लासेस रोज एट 6 पी देखा मैं एड्स भी कर सकती हूँ हाँ तो बताइए फैमिली बताइए इसकी बहुत बकवास कर रही हूँ मैं आज आप लोगों के साथ है ना आज मेरा मूड है ऐसा तो ये भी पैरेलेडी फैमिली से ही बिलोंग करता है दोनों एक ही परिवार के सदस्य है टॉप बॉरर भी एंड योर अर्ली शूट बॉरर भी अर्ली शूट बॉरर एंड टॉप बॉरर दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य है इनको याद रखिएगा एंड दोनों कौन से से बिलोंग करते हैं पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर चलिए मूविंग टू दन अदर वन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ऑर्डर क्या है स्पोडिप्रोलिट्यूरो का स्पोडिप्रोलिट्यूरो नहीं करेंगे हम यहाँ पर सिरको फाइगा करेंगे ओके तो कभी कभी मैम बदलना भूल जाती है है ना सिरको फागा के ऑर्डर कौन सा है सो so, किस ऑर्डर से बिलोंग करेगा से, 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 से? से बिलोंग so, है है करती है लेपिडॉप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करती है सो डी विल बी द आंसर लैपीड्रॉप्ट्रा ऑर्डर ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज अल्टरनेट होस्ट फॉर टॉप बोरर टॉप बोरर का अल्टरनेट होस्ट कौन सा है किस में और आपने टॉप बोरर को देखा है टबैको में देखा है कॉटन में देखा है वाइल्ड सकेरम स्पीशीज में देखा है या फिर नन ऑफ द अब या फिर किसी में नहीं देखा है यानी कि इसका कोई ऑल्टरनेट होस्ट होता ही नहीं है व्हाट इज द ऑल्टरनेट होस्ट फॉर टॉप बोरर टॉप बोरर का ऑल्टरनेट होस्ट क्या है टबैको कॉटन Uh, उनमें भी ये फीड करता है सो so, अगर इसको अपना नॉर्मल केन नहीं मिला तो ये वाइल्ड की तरफ निकल पड़ता है ये इसका ऑल्टरनेट होस्ट होता है सो द सी विल बी द आंसर वाइल्ड से अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं फटाफट से नहीं तो भाग जाएगा एक्स तौप बोरर। तौप बोरर के के कैसे होते 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 हैं से कवर्ड होते हैं हैं से अंदर होते हैं या कैप्सूल जैसे होते हैं वट इज द एग मॉरफोल ऑफ टॉप बोरर टॉप बोरर के एग्स कैसे होते हैं तो जो आपके टॉप बोरर के एग्स हैं दे आर कवर्ड हेयर है, है ना ये हेयर से कवर्ड होते हैं और ये हेयर कहाँ से आते हैं एनल टफ्ट से आते हैं ठीक है तो इसकी फीमेल के पास जो है आ, टफ्ट ऑफ हेयर यानी कि गुच्छा प्रेजेंट होता है हेयर का आ, एनस के आसपास तो वो जो है ये उस पर शेड कर देती है अपने एग्स पर और वो उसको कवर कर लेते हैं ठीक है तो एनल टफ्ट से ये हेयर आते हैं जो इसको कवर करते हैं राइट सो दे आर कवर्ड विद द चलिए अगला क्वेश्चन डैमेज सिम्टम्स ऑफ टॉप बोरर टॉप बोरर का डैमेज सिम्टम क्या है रेडिश ब्राउन डेड हर्ट बनना डेड हर्ट्स विद फाउल स्मेल कैन नॉट बी पुल्ड इजीली ए एंड सी ठीक है तो आ, अगर आप अर्ली शूट बोरर की बात करेंगे तो उसमें डेड हर्ट्स के साथ आपको फाउल स्मेल आती है गंदी स्मेल आती है तो आपको पता चल जाता है अर्ली शूट बोरर का अटैक है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें रेडिश ब्राउन डेड हर्ट बनते हैं यानी कि डेड हर्ट से स्मेल नहीं आती है लेकिन रेडिश ब्राउन कलर के डेड हर्ट्स दिखाई देते हैं साथ ही साथ इनको पुल करना जो है इजी होता है पुल करना इजी का मतलब क्या है कि जब आप प्लांट को ऐसे उखाड़ेंगे तो ये बहुत इजीली ऊपर आ जाते हैं आपको ज़्यादा जोर या ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है तो ये दो इसके सिम्टम्स हैं रेडिश ब्राउन डेड हर्ट्स बनना और इजीली पुल आउट हो जाना जबकि अगर हम अर्ली शूट बॉर की बात करें तो उसमें हर्ट्स के साथ साथ फाउल स्मेल भी आती है तो आप अब अच्छे से पहचान लीजिएगा शुगर केन के फील्ड में जाके कि अर्ली शूट बोरर का अटैक है या फिर टॉप बोरर का अटैक है ओके, okay. चलिए अगला क्वेश्चन स्पेसिफिक डैमेज सिम्टम्स ऑफ सिरकोफागा सिरकोफागा का स्पेसिफिक डैमेजिंग सिम्टम्स क्या है सिरकोफागा का डैमेजिंग सिम्टम क्या है बंची टॉप अपियरेंस देता है ये आपके प्लांट को स्केलेटेनाइज लीफ आपको देखने को मिलती है हैवी डिफोलियेशन होती है या प्रजेंस ऑफ बोर्ड बॉल्स तो बॉल्स तो देखिए शुगर कैन में प्रेजेंट ही नहीं होती बात ही खत्म हो जाती हैवी डिफोलियेशन यानी कि आपकी लीफ्स का गिरना स्केलेटेनाइज लीफ यानि कि लीफ लैमिना पूरा खा लेगा सिर्फ मिडरिप को छोड़ देगा या फिर बंची टॉप अपियरेंस यस सो आंसर विल बी बंची टॉप अपियरेंस ठीक है टॉप बोरर है तो ये क्या करता है टॉप को जो ऊपर का एरिया होता है उस पर इस जो है वहां से घुसता है उस पर डेढ़र्ट बनाता है जिसके कारण प्लांट की जो टॉप है वो बंची टाइप्स दिखाई देती है तो बंची टॉप अपियरेंस दिखाई देती है दिस इज द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ टॉप बोरर ठीक है टॉप बोरर का स्पेसिफिक सिमटम है सिरको का स्पेसिफिक सिम्टम है बंची टॉप अपियरेंस किसमें दिखाई देती है टॉप बोरर में दिखाई देती है सो ए विल बी योर आंसर प्युपेशन ऑफ टबैको टेक्स प्लेस इन प्युपेशन ऑफ नॉट टबैको फिर से राइटिंग मिस्टेक इट्स नॉट टबैको इट्स टॉप बोरर टॉप बोरर की पिपेशन कैसे होती है सॉइल में होती है लीफ में होती है कोकून में होती है या स्टेम में होती है पिपेशन यानी कि रेस्टिंग पीरियड टॉप बोरर की रेस्टिंग पीरियड जो है पिपेशन पीरियड किस में होगी सॉयल में होगी लीव्स में होगी कोकून में होगी या स्टेम में होगी प्रीति पॉइंट uh, सी दोबारा समझाऊ लेकिन किस क्वेश्चन का दोबारा समझाऊं एक बार बताएंगे क्वेश्चन ट्वेंटी वन और ट्वेंटी पिपेशन ऑफ टॉप बोरर टॉप बोरर की पिपेशन किस में होती है सॉइल में लीव्स में कोकून में या फिर स्टेम में यस द आंसर इज डी स्टेम स्टेम बोरर है भैया टॉप से बेशक एंटर करता है लेकिन रहता तो स्टेम में ही है तो इसकी पिपेशन भी जो है स्टेम्स में ही होती है तो ये पिपेशन स्टेम्स में ही करता है डी विल बी द आंसर इसकी प्यूपाेशन इसकी रेस्टिंग स्टेज भी स्टेम में ही होती है तो आप इसकी स्टेम को जब स्लाइट बीच uh, से काटेंगे बेसिकली स्लाइस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें रेड कलर के डेड हर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे uh, कीड़ा भी आपको उसी में मिलेगा कैटरपिलर भी उसी में मिलेगा साथ ही साथ प्यूपा भी उसी में अटैच्ड मिलते हैं अगर कुछ वर्म्स uh, जो है पीपल स्टेज में जा चुके हैं तो ये स्टेम में ही जो है अटैच होता है ओके सो द आंसर इज डी Uh, एक बार बैक चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर इट के नॉट बी पुल्ड इजिली ओके सो बेसिकली बच्चे ये पेड़ की बात हो रही है जिसमें डेड हर्ट बनता है उसकी बात हो रही है ठीक है सो जहां पर डेड हर्ट बन रहा है जहां पर आपके टिश्यूज ऑलरेडी डेड हो गए जहां पर ये अपना इंफेस्टेशन कर चुका है खा चुका है उस पोर्शन को जब आप खींचेंगे है ना तो खींच जाएगा बहुत इजीली जैसे कि ये पेड़ लगा हुआ है ना तो अगर मैं इसको खींचूं तो ये बहुत इजीली पुल आउट हो रहा है वो पोर्शन जो है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो डेड हर्ट है वहाँ से जब आप खींच रहे हैं तो वहाँ के टिश्यूज जो है पूरे गले हुए हैं पूरे खत्म हो चुके हैं उनमें कोई कनेक्शन नहीं बचा है तो जैसे ही आप इसको पुल आउट करते हैं इजीली पुल आउट होता है तो आपको ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है वही डेड हर्ट तो बन चुके हैं यानी कि टिश्यू तो डेड हो गए हैं लेकिन वो लूज नहीं हुए हैं अभी भी इंटैक्ट है डेड है बट इंटैक्ट है तो आप इस प्लांट को जब खींचेंगे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी जोर लगाना पड़ेगा तो जब अर्ली शूट बोरर आता है तो हर्ट बनते हैं लेकिन वो इजिली पुल आउट नहीं होते लेकिन जब टॉप बॉरर आता है तो भी डेड हर्ट बनते हैं लेकिन इनमें जो है ये इजीली पुल आउट हो जाते हैं इजीली आप उनको उखाड़ के जो है अपने हाथ में ले सकते हैं ओके अब बात करते हैं टॉप बॉरर के बायो कंट्रोल की तो टॉप बोरर के बायो कंट्रोल के लिए अब अगेन जो है ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइकोग्रामा माइनेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं यही हमने अर्ली शूट बोरर में किया था साथ ही साथ इसमें लार्वल पैरासिटॉइड भी यूज किया जा सकता है आइसोटिमा जेवेंसिस के नाम से ठीक है आइसोटिमा जेवेंसिस जो है ये लार्वा पर फीड करता है तो लार्वल पैरासिटॉइड भी इसमें यूज किया जा सकता है साथ ही साथ एग पैरासिटॉइड भी यूज़ किया जाता है एग पैरासिटॉइड जो है एग्स पर फीड करते हैं लार्वल पैरासिटॉइड लार्वा पर फीड करते हैं दोनों ही आ, सूरतों में जो है हमारे पॉपुलेशन जो है एटीएल लेवल से कम रहनी चाहिए ताकि हमारी क्रॉप को ज्यादा नुकसान ना हो तो अपना मेन पर्पस यही है ठीक है तो ये कब करना है नवंबर दिसंबर में आपको जो है करना है जो भी आपकी अदसली शुगर केन होती है अदसली शुगर केन कौन सी होती है फटाफट से बताइए वट इज अदली शुग किन देखिये अदशली का नाम क्या है हाफ ईयर है ना अदसली अद मीन आधी हाफ सली मीन्स साल हाफ ईयर हाफ ईयर कब होता है सिक्स मंथ में होता है जून मंथ में होता है टोटल बारह महीने होते हैं जून मंथ इज दिक्स मंथ तो आपकी हाफ ईयर कब होती है जून मंथ में होती है तो जब सोइंग जून में होती है उस शुग किन को हम अदसली कहते हैं ठीक है ठेके? तो आज जो शुगर केन है जिनकी सोइंग आपने जून में की है वहाँ पर आप बायो कंट्रोल एजेंट्स को नवंबर दिसंबर में रिलीज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे ठीक है चलिए आज के लिए आई गेस यस द फुल स्टॉप हियर तो क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा वी वॉन्ट दिमाग में सब कुछ रिटेन रहे इसके लिए स्लो हमें चलना जरूरी है ठीक है so, सो Uh, this ऑल for today. आज की क्लास में इतना ही आज की क्लास में हमने शुगर केन के दो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा अर्ली शूट बोरर एंड टॉप बोरर एंड क्या इनके बीच डिफरेंसेस होते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि अर्ली शूट बोरर का अटैक है या टॉप बोरर का अटैक है और दोनों ही एक ही फैमिली के सदस्य हैं विच इज पायरेलीडी फैमिली है ना क्लास पसंद आई हो तो फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए थम्स अप दीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स अपने के साथ शेयर कीजिए क्योंकि खुशियां और नॉलेज दोनों ही बांटने से बढ़ती हैं ठीक है ओके लेट्स मूव टू अड्डा की साइट एक बार अड्डा की साइट पर चलकर देखते हैं भैया ईद के मौके का फायदा किस, किस ने उठाया पता नहीं लेकिन फायदा बड़ा अच्छा था आपको 80% ऑफ प्लस महापैक पर डबल वैलिडिटी मिलती है तो दैट इज वेरी लाइक इकोनॉमिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू है ना लेकिन वो तो आपका जो है ईद जा चुकी तो ऑफर भी जा चुका सो यू कैन चूज एग्रीकल्चर फ्रॉम देयर एंड यहां पर जो है आप नीचे जाके व्यू ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे आपका नबार्ड शुरू होने वाला है जो भी बच्चे नबार्ड को टारगेट कर रहे हैं उन्नीस जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू होने वाले है है ना आई बी पी एस एसओ के आपकी ऑलरेडी चल रही है सो कलर महापैक उन लोगों के लिए है जो सारे एग्जाम्स देते हैं मैं भाई एज अ स्टूडेंट मुझे नबार्ड भी देना है मुझे आर आर भी देना है मुझे आई बी पी एस एसओ भी देना है क्या इनके बीच में डिफरेंस है क्या इनका सिलेबस का डिफरेंस है इनके लेवल का डिफरेंस है तो उसके लिए जो है मैं अलग अलग बैचेस खरीदूं तो ये बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है, है ना साथ ही साथ समझ नहीं आता है कि कैसे प्रिपेयर करना है तो इसके लिए एग्रीकल्चर महापैक होता है एग्रीकल्चर महापैक में आपको सभी क्लासेस मिलती हैं आई बी की भी मिलेगी एफ की भी मिलेगी नबार्ड की भी मिलेगी आर आर की भी मिलेगी जो भी आप एग्रीकल्चरल एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए जो है इसमें क्लासेस अवेलेबल है और सभी क्लासेस आप इसमें अटेंड कर सकते हैं साथ ही साथ अपने आपको एनालाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज या ई टेस्ट का यूज भी मॉक टेस्ट का यूज भी कर सकते हैं ठीक है तो जैसे ही आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको विंडो पॉपअप होती है इस विंडो में आपने टाइप करना है फोर एट ठीक है चार प्लस चार आठ अप्लाई जैसे ही कर देंगे तो इसका प्राइस जहां आपको थर्टी टू थाउजेंड दिखता है तो रिड्यूस होकर क्या हो जाता है सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाइन हो जाता है जो पूरे साल आपको ई e बुक्स टेस्ट सीरीज और सभी क्लासेस की बिल्कुल छूट देता है आप कितनी बार भी देखें कितनी बार भी अपने क्वेश्चन पूछिए कितनी बार भी उस चीज़ को वापस समझने जाइए नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग ठीक है तो देखिए कहीं भी हो इट्स अबाउट बैच एनरोलमेंट फलाना धिकड़ा लेकिन लास्टली आपकी मेहनत रंग लाने वाली है चाहे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो सारी मेहनत जो है पानी में है तो सेल्फ स्टडी जो है बहुत जरूरी है जो मैंने आज पढ़ाया है अगर आप ये खुद पांच मिनट बैठ के नहीं पढ़ेंगे तो आज तो आपको याद रहेगा लेकिन दस दिन आप फिर से भूल जाएंगे ठीक है ठेके? तो सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा टाइम जरूर दे और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे एंटोनोलॉजी थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स के साथ और खूब सारी मस्ती करते हुए हम बहुत सारा पढ़ने की कोशिश भी करते रहेंगे गुड बाय टेक केयर एंड हैव अ वेरी 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 गुड डे ऐसे डे कुछ खास बचा नहीं है पर जितना भी बचा है नाइट भी गुड हो है ना आपको आज की सारी चीज़ें लर्न हो जाए झुमरू की तरह आप पूछिए झुमरू कौन है झुमरू भैया शक्लक बुम में आता था जो ऐसे किताब रखता था उसको पूरी किताब लर्न हो जाती थी तो भगवान करे आपको भी ही किताबें लर्न हो जाए है ना गुड बाय एंड टेक केयर